नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। उम्मीदवारों के पक्ष में लोकसभा चुनाव को लेकर के स्टार प्रचारकों ने संभाल लिया है मोर्चा। जी हां, जैसे जैसे हरियाणा में मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, हर एक राजनीतिक दल ने चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यहां तक कि स्टार प्रचारकों की रैलियां आयोजित की जा रही हैं। अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। आपको बता दें कि 8 मई को फतेहाबाद में भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरसा, फतेहाबाद और हिसार की रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ सुनीता दुग्गल ने खुद ये बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ उनके दो भाई वो भी आ रहे हैं, जिससे सुनीता दुग्गल बड़ी उत्साहित नजर आई कि भाई तीन तीन मोदी अगर हरियाणा के अंदर आएंगे तो यहाँ की लोकसभा सीटें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ जाएंगी। इसके अलावा डॉक्टर अशोक तंवर ने भी एक बयान दिया है, जिसमें 9 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सिरसा में कांग्रेस उम्मीदवार एवं पार्टी प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर के पक्ष में हुड्डा मैदान में रैली करेंगे। उसी दिन सिरसा में भाजपा उम्मीदवार सुनीता दुग्गल के समर्थन में फिल्म अभिनेता सनी देओल भी रैली करेंगे। इसके अलावा 10 मई को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 10:15 बजे हिसार में, 12:30 बजे दादरी में और शाम को पलवल में रैली को संबोधित करेंगे। पूरे हरियाणा में लोकसभा 2019 के चुनाव को लेकर पूरी महाभारत को 6 महारथी संभालेंगे। वो अपनी अपनी पार्टी के लिए हरियाणा में वोट मांगेंगे। इनमें मुख्य रूप से हैं मोदी, शाह, राहुल, प्रियंका और मायावती तथा केजरीवाल, जो हरियाणा में प्रचार करेंगे। अब हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों के चुनाव को लेकर के 6 दिन शेष बचे हैं। अब ऐसे में इन 6 दिनों की बड़ी महत्ता इन राजनीतिक दलों के लिए है। इन सभी दलों के लिए राष्ट्रीय स्टार प्रचारक भी हरियाणा में नजर आएंगे। इन 6 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में 3 बड़ी रैलियां करेंगे। 8 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरसा संसदीय क्षेत्र के फतेहाबाद शहर में हुड्डा ग्राउंड में और उसी दिन कुरुक्षेत्र में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे 10 मई को रोहतक में रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी 10 मई को हिसार व दादरी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सिरसा, हिसार, रोहतक तीनों सीटों पर पिछली बार भाजपा गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस बार भाजपा अधिक फोकस इन पर कर रही है। ऐसे में वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके साथ साथ सोनीपत सीट पर भाजपा व कांग्रेस दोनों का पूरा जोर है। यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा उन्हें घेरना चाहती है। जहाँ पर रविवार को भी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रैली की। कांग्रेस ने पूरा जोर इस सीट पर लगा रखा है। हालांकि जेजेपी से दिग्विजय सिंह चौटाला भी सीट से लड़ रहे हैं। जजपा व आप पार्टी ने दिग्विजय के लिए भी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के गठबंधन कर हरियाणा में चुनावी समर में उतरी है बहुजन पार्टी की भी अपनी स्टार प्रचारक बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती 9 मई को कुरुक्षेत्र व पानीपत में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इससे पहले वे 30 अप्रैल को मायावती भिवानी व फरीदाबाद में रैलियों को संबोधित कर चुकी है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी एवं जननायक जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। एक बार फिर वे 7 मई को हिसार में रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले 28 अप्रैल को केजरीवाल फरीदाबाद से कुरुक्षेत्र तक रोड शो निकाल चुके हैं। अब राहुल और प्रियंका गांधी के 5 कार्यक्रम। कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारकों की भूमिका में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं महासचिव प्रियंका गांधी हरियाणा में 5 कार्यक्रम करेंगे। आम की जानकारी के लिए आपको बता दें कि 6 मई को भिवानी में करोड़ीमल पार्क में, जबकि 9 मई को सिरसा के हुड्डा ग्राउंड में रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रियंका गांधी 7 मई को अम्बाला, रोहतक एवं हिसार में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इसके अलावा अमित शाह भी हरियाणा में 3-3 जनसभाओं को और रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये था लोकसभा 2019 का दंगल, जिसमें सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 2019 लोकसभा का एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई कई नेता हरियाणा के रण क्षेत्र में उतरेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। किशन बेदी जी भी आ रहे हैं, हमारे विपुल गोयल जी कल आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे
मोदी जी तो आ ही रहे हैं, उनके दो भाई, बड़े भाई सोम भाई मोदी, छोटे भाई पंकज भाई मोदी, आप तीन तीन मोदी अगर सिरसा लोकसभा में अगर होंगे तो आप सोच के देखिए कि सिरसा लोकसभा कहाँ पहुंचेगी। हमारे कृष्ण बेदी जी भी आ रहे हैं, हमारे विपुल गोयल जी कल आ रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि हमारे मोदी जी तो आ ही रहे हैं, उनके दो भाई, बड़े भाई सोम भाई मोदी, छोटे भाई पंकज भाई मोदी, आप तीन तीन मोदी अगर सिरसा लोकसभा में अगर होंगे तो आप सोच के देखिए कि सिरसा लोकसभा कहाँ पहुंचेगी। अब राहुल जी की भी रैलियां हैं, प्रियंका जी की भी रैलियां, रोड शो है, और भी अब राहुल जी की भी रैलियां हैं, प्रियंका जी की भी रैलियां, रोड शो है, और भी अब राहुल जी की भी रैलियां हैं, प्रियंका जी की भी रैलियां, रोड शो है, और भी